अक्षरा सिंह भाई साहब, अक्षरा सिंह, और जलवा है एकदम अक्षरा सिंह का। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल आईडीआई न्यूज में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक मार दो। तो जी हाँ, अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह से सभी लोगों की फट रही है। साफ सीधी शब्दों में कहा जाए तो अक्षरा सिंह जिस तरीके से खेल रही है ना, कोई भी बंदा हो बिग बॉस के अंदर, ऐसा कोई बंदा नहीं जो उससे डर नहीं रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे एक भोजपुरी की लड़की इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, इस तरीके से खेल रही है। लगता है कि भोजपुरी वाले लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो। शुरू में दिव्या ने जिस तरीके से भोजपुरी को लेकर बदनाम करने की कोशिश किया था, उस पर करण जौहर ने भी झाड़ा था पहले वीकेंड में ही, और सेकंड वीकेंड में अब सभी लोग कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से जिसान अक्षरा सिंह के साथ भिड़ जाता है और अक्षरा सिंह जिस तरीके से लताड़ते हुए नजर आती है, चाहे वो एमजी भी हो, एमजी के साथ हालांकि फ्लर्टिंग वाला थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो कहती भोजपुरी टोन में कहती हुई नजर आती है कि लवर लवर मत करो ना तो मुंह मार के लोला कुछ देंगे, तो ये भी वाला भी एक डायलॉग था। समीता सेट्ठी से 2 दिन के बाद से ही समीता सेट्ठी का एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, और अक्षरा और समीता किसी ना किसी मुद्दे पर, किचन का मुद्दा हो या फिर साफ सफाई का मुद्दा हो या फिर टास्क का मुद्दा हो या फिर हर किसी ना किसी एंगल पे समीता सेट्ठी अक्षरा सिंह के बीच में आ जाती है और मुद्दे को कहीं ना कहीं घसीटते हुए नजर आती है। और अक्षरा इसका रिप्लाई भी करती है। जसीन जो नेहा भसीन है वो भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव मूड में लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सिर्फ एक ही बंदा है जो प्रतीक है वो अक्षरा को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा नजर आ रहा है, और दूसरा बंदा है जो एमजी और प्रतीक दोनों काफ़ी ज़्यादा अक्षरा के काफ़ी नज़दीक दिख रहे हैं। लेकिन सारे कंटेस्टेंट की बात करें तो सबको कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हो रहा है कि अक्षरा सिंह जब तक इस कंटेस्टेंट में रहेगी, यानी बिग बॉस में रहेगी, कहीं ना कहीं ये मजबूत दावेदार होती हुई चली जा रही है। शुरू दिन पहले दिन से ही जिस तरीके से अक्षरा अपने गेम पर फोकस कर रही है, स्टैंड लेने के मुद्दा हो या फिर सुबह डांसिंग का मुद्दा हो कि भाई कैमरा एंगल को कैसे ठीक करना है, कैसे टीआरपी रखना है अपने आप को, मुद्दा हर जगह अक्षरा सिंह का हो। जो रोमांस का तड़का वाला है, चद्दर में गद्दर वाला, वो भी प्रतीक के साथ रोमांटिक और दोस्ती को लेकर कहीं ना कहीं वो भी शुरू हो चुका है। तो हर मुद्दे पर अक्षरा सिंह पूरी तरीके से गेम को खेलते हुए नजर आ रही है, और सब उन्हें ऑडियंस भी है जो उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कारण से हो सकता है, उन्हें सब लोगों कंटेस्टेंट को पता है कि कहीं ना कहीं अक्षरा इनसे पर हावी होने वाली है। क्या लगता है आप सभी को, अक्षरा सिंह वाकई में सभी कंटेस्टेंट के ऊपर हावी होने वाली है? ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।